याद होगा इससे पिछले एपिसोड में मैंने खोली थी एक छोटी सी दुकान जिसको अपने को बनाना था सुपरमार्केट, जिसके लिए अपन ने अभी तक बहुत कुछ कर दिया है। शॉप के अंदर अपन एक नया फ्रिज लेके आ गए हैं, शॉप के अंदर बहुत सारा आइटम लेके आ गए और अपन ने प्रोडक्ट लाइसेंस भी खरीद लिया है, तो अब अपन प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच सकते हैं। तो लेट्स गो, अपनी शॉप को आगे बढ़ाते हैं और उसको सुपरमार्केट बनाते हैं। ओके, तो अपन अपनी शॉप पे आ चुके हैं, तो अपनी शॉप को ओपन करते हैं। और भाई ये कचरा कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, ये कचरा शायद बगल के घरों का है। यार ये लोग कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। बाकी ठीक है, अपना स्टोर तो एकदम साफ सुथरा रहता है गाइस, और अपन ने अपना स्टोर ओपन भी कर दिया है। और गाइस शुगर अपने पास खत्म हो गई है, जो कि आज मैं मंगा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं, पहले मंगवा देता हूँ क्योंकि अभी शॉप खोली है और भाई लोग बाग आएंगे और बोलेंगे यार शॉप में तुम्हारे कुछ मिलता नहीं है, तो मैंने ये परचेज कर लिया है। ओके, ये आ भी गया भाई, फास्टेस्ट डिलीवरी। चलो भाई, अभी गाइस ये लोग बिल कराने आ गए। मैम ने लिए 2 एग और बाकी कई सारा सामान लिया है। ठीक है, इनको देना है 79 रुपीज। ठीक है, मैम को 80 रुपीज लौटा देते हैं एंड डन, लेट्स गो। सर आपने सुसु लिए, सुसु का करोगे क्या आप? 5.7 रुपीज आपके कार्ड लिए, आप बताइए सर ये पास्ता में पानी डाल के खाओगे आप? चलो भाई, क्या चाहिए तेरे को? चीज चाहिए भाई, चीज खत्म हो गई। गाइस मैंने फ्रिज में तो देखा ही नहीं, क्योंकि फ्रिज के अंदर है ना भाई कोई चीज दिखती नहीं है, तो बिकती जाती है, पता भी नहीं पड़ती कब खत्म हो गई। ओके, इसमें मुझे चीज चाहिए, मिल्क भी खत्म हो गया, वाटर भी खत्म हो गया, और टॉप पे क्या रखा था भाई? रुक जाओ, देखो चीज मैंने एक ऐड कर लिए, एक मिल्क ऐड कर लिया है, वाटर बॉटल ऐड कर लिए, और इसमें क्या रखा था? ठीक है, शायद यही रखा होगा, बट यार फर्स्ट वाली उस पे क्या रखा था? और तो कुछ है नहीं फ्रिज में रखने के लिए। ठीक है भाई, यही ऑर्डर करता हूँ। बाकी अपने पास ब्लैक कॉफी नहीं है, ब्लैक कॉफी और ऑर्डर करें तो इतना पैसा है अपने पास कि 4 ब्लैक कॉफी के पैकेट में ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफी बहुत बिकती है भाई, तो एक बार में खरीद देते हैं ब्लैक कॉफी एंड लेट्स गो। भाई एक तो ये फैला के कौन जाता है भाई? घटिया लोग हैं भाई जो भी फैला के जाता है भाई। और मुझे प्राइस भी चेक करनी है यार, प्राइस भी ऊपर नीचे हो गई होगी इनकी। देखो इसकी चल रही 11 रुपीज, मैंने बोला था ना। अबे नहीं, वो 11 रुपीज का है। ठीक है, बकवास बात नहीं, महंगा है वो। ओके, अभी भी वो खरीदेगा क्या कॉफी? मैंने कॉफी महंगी कर दी और वो सस्ते में लेके गया, तो उसकी ऐसे कर दूंगा। चलो भाई पहले सबकी प्राइस देख लेता हूँ मैं। ये 3 ये सही जा रहा है प्राइस में, ये भी सही जा रहा है, डन। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड एग सही है क्या? ओके, एग भी सही बिक रहे हैं। चलो भाई फटाफट जमवा देते हैं। वाटर बॉटल है जो कि मैं यहाँ रखवाने वाला हूँ, एंड बची हुई यहाँ पे। इसकी प्राइस देखते हैं, ये प्राइस भी एकदम सही बिक रही है, बाकी इसको मैं इतनी सस्ती नहीं बेचने वाला, 60 की कर देते हैं। लेट्स गो, अभी इसको लेते हैं। इसमें है मिल्क, इसको यहाँ रखवाते हैं भाई, एंड डन। मिल्क भी मैंने रखवा दिया है, इसको भी यहाँ रखो, और मिल्क की प्राइस भी चेक करो भाई। ओके, मिल्क की प्राइस सही चल रही है। बाकी अपने पास सिर्फ ब्लैक कॉफी है, ब्लैक कॉफी यहाँ रखवाते हैं फटाफट। बहुत सारी ब्लैक कॉफी मंगवा दी भाई मैंने, मजा ही मजा। ओके, चीज भी तो है अपने पास, इस चीज को भी यहाँ रखते हैं। और भाई चीज की भी प्राइस देखनी है, लोग बाग खरीदना पहले चालू कर देते हैं यार, इसको यहाँ रखा। और ये लास्ट कॉफी का पैकेट बचा है, इसको अपन नीचे रखवा देते हैं एंड डन। भाई अब मेरे को चीज का प्राइस देखना दो एक बार। ठीक है, चीज का प्राइस सही चल रहा है एंड लेट्स गो। जल्दी जल्दी बिलिंग करनी पड़ेगी। लाओ सर, आपके हुए 9.35 रुपीज। ओके, आप बताइए सर। ओहो भाई क्या खरीदारी करिए, 17.80 रुपीज। चलो सर आप बताइए। ओके डन, 33.5। भाई देख रहे हो बिलिंग स्पीड, देख रहे हो तुम? अरे ये तो अभी कार्ड से देने वाले आ रहे हैं, इसलिए बिलिंग स्पीड ज्यादा है। बाकी औरों के साथ इतनी, अरे एक एक कॉफी खरीदने के लिए मत आओ जब तुम, बोल दिया मैंने। ओके डन, जा भाई लेट्स गो। आपने क्या लिया है मैम? इसमें 9 रुपीज। एंड मैम बहुत सारी सुसु लेके जा रही है, मैम को सुसु नहीं आती। 21.20 एंड डन, 17.65। एक सेकंड गाइस, मैं लाइट जला देता हूं अपने स्टोर की, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। कस्टमर भाई आज पूरे दिन से खड़े हुए हैं, देख रहे हो तुम, इतने सारे कस्टमर हो गए। एंड एक ये, एक दो ये, लेट्स गो एंड डन। गाइस मैंने सबकी बिलिंग कर दी है, अभी आने देते हैं। और गाइस मैंने देखो कितनी सारी कॉफी रखवाई थी ना, 2 बची है इस वाले सेक्शन में, और इस वाले सेक्शन में सिर्फ, मतलब हाँ एक सेक्शन अपना पूरा खत्म हो चुका है एक तरीके से मान सकते हो तुम। ठीक है, बाकी रात हो गई है तो अभी कस्टमर वगैरह जाते ही होंगे। बाकी अगर कुछ परचेज, ओके ब्रेड नहीं है ना अपने यहाँ पे, एक ब्रेड मंगवाते हैं एंड डन। परचेज करवा दिए मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फुल रात हो जाती फिर वो देके नहीं जाता, तो मैंने पहले ही मंगवा दी। और किस चीज की कमी होगी भाई अपने? शुगर वगैरह फुल है, फ्लोर है, ओके फ्लोर भी है, ऑयल भी है, पास्ता शायद नहीं है, ओके पास्ता मैंने मंगवा दिया, एंड सीरियल्स नहीं है, मैं अभी 3 मंगवा देता हूँ, अभी सस्ते में चल रहे हैं। ओके डन, टाइम खत्म हो गया, अब कल महंगे हो जाएंगे भाई वो। सर आपका चेंज ये रहा, आप जा सकते हैं, आप बताइए सर। अरे इतना तक क्यों लेके जा रहे हो, मेरे यहाँ का खुला खत्म हो जाएगा, बल्कि बोन ही नहीं हो पाएगी भाई, फिर कल वालों को क्या बोलूंगा, मेरे पैसा खत्म हो गया। लेट्स गो, आप बताइए सर। ओके, ऐसा सामान लाओ भर भर के एंड डन। गाइस आज का दिन कंप्लीट हो चुका है, बाकी मुझे कल के दिन कुछ सामान और मंगवाना है, तो वो कल ही मंगवाएंगे, आज का दिन फिनिश करते हैं।
लाइट वगैरह ऑफ करते हैं और चलते हैं अपनी शॉप से। एंड गाइस आज का अपना टोटल प्रॉफिट है 105 का, जो तो मैंने 331 का खर्चा कर दिया उसके बाद प्रॉफिट है गाइस, देख रहे हो तुम। लेट्स गो, ब्रेड और मिल्क की प्राइस बढ़ गई है तो ब्रेड और मिल्क की प्राइस मेरे को भी बढ़ानी पड़ेगी। एंड ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ी है लेकिन फिर भी ठीक है भाई, 75 की कर दी मैंने ब्रेड। और काई की बढ़ी थी, मिल्क की बढ़ी थी शायद, है ना, हाँ मिल्क की बढ़ी थी। इसको अपन कर देते हैं 80 रुपीज की। एंड डन। चलो भाई अभी मुझे सबसे पहले ये परचेज करना है जो कि कल मैं कार्ट में ऐड करके गया था। इसको लेते हैं फटाफट फटाफट और यहाँ जमवाते हैं। लेट्स गो, अगला पैकेट आने दो भाई, इसको रखवाते हैं यहाँ पे। एक और पैकेट है मेरे पास, इसको भी यहाँ नीचे रखवा देते हैं। एंड अभी एक पास्ता का पैकेट बच गया भाई, पास्ता भी ले लो, तुम लोगों को चाहिए हो तो। पास्ता भी वापस आ गया अपनी शॉप पे। एंड इसको भी फेंकते कचरे के डब्बे में। इसका देख लेते हैं अपन प्राइस, 3.12 सही चल रहा है। चलो और इसका प्राइस क्या चल रहा है भाई, 6.76। ओके डन, सबका प्राइस सही चल रहा है। हेलो मैम आप बताइए, आपको एग चाहिए? और शायद एग भी खत्म हो गए, एग भी मुझे मंगवाने पड़ेंगे। 6.6 इसके रुपए काटनी है। और सबसे पहले मैं एग मंगवा के आता हूँ, दो बॉक्स एग मंगवाने वाला हूँ। और मैं मंगवाने वाला हूँ, चीज भी खत्म हो गई है बट गाइस चीज बहुत महंगी चल रही है। ओके चीज महंगी नहीं चल रही है, दूध महंगा चल रहा है। डन ठीक है, मैंने दो दो पैकेट इनके भी मंगवा लिए। बाकी इन लोगों की मैं थोड़ी सी बिलिंग कर देता हूँ। हेलो मैम 5.70 रुपीज हुए हैं आपके। चलो अपना ऑर्डर आ गया होगा जब तक, इसको रखवाते हैं। ये चीज है, इसको यहाँ रखवाते हैं। इसको फेंको, इसको उठाओ। एक और बॉक्स है अपने पास चीज का जिसको अपन यहाँ रखवाने वाले। लेट्स तो एक एग की ट्रे अपने पास, जो भी मैंने रखवा दिए। और ये ओके, और एग की ट्रे अपने पास। ये सारी कब मंगवाई भाई मैंने? चलो भाई डन, आज अपने पास वापस से इतने सारे कस्टमर इकट्ठे हो गए भाई। चलो लो, और अपनी स्टोर लेवल 7 हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसको 31 रुपीज देने और 30 पैसे। ओके सर आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए? 1.60। चलो और 0 का स्पेशल डिस्काउंट, गाइस देख रहे हो तुम, 0 का स्पेशल डिस्काउंट देता हूं मैं। चलो भाई आपको 50 पैसे देने। हेलो सर चलते बनो। ओके आपके हुए 27.30। अरे शुगर पाउडर खत्म हो गया गाइस, शुगर पाउडर मंगाने तो पहले, और शुगर पाउडर भी दो बॉक्स मंगवा लेता हूं मैं। लेट्स गो। चलो भाई 36.45 रुपीज, आप बताइए सर 28.45। एंड लेट्स गो, मेरा ऑर्डर आ चुका है, इसको रखवाते हैं यहाँ पे। और दूसरे बॉक्स को भी यहीं कहीं, ओके अभी है जगह भाई, मेरे को लगा जगह वगैरह खत्म हो गई अपने शॉप पे। और कस्टमर इज वेटिंग, तो भाई वेट अपन खत्म कर देते हैं। ओके मैम बताइए आपके रुपए में 15.40। आप बताइए मैम, ब्लैक कॉफी महंगी बिकती है, देखो एक जने ने 23 की और बस दो पैकेट लिए हैं 23.4। इनके हुए 19.10। चलो भाई सबकी बिलिंग करवा दी है और मेरी शॉप भरी हुई है इस टाइम फुल। मुझे इस टाइम शॉप में किसी चीज की कमी दिख रही है तो वो है एक ब्रेड की, ब्रेड भी है भाई, पास्ता, पास्ता भी है, ऑयल खत्म हो गया है। ओके डन, मुझे दो पैकेट ऑयल के भी मंगवाने हैं। और मुझे मंगवाना है टी बॉक्स, टी बॉक्स भी बहुत सारे रखे। चलो टी बॉक्स भी नहीं मंगवा रहा मैं अपनी गाइस। शॉप पे तेल की बाटली खत्म हुई थी तो तेल की बाटली मैंने मंगवा ली है। बाकी इस पे कुछ तो न्यू लिखा है, शायद ये न्यू पैकिंग के साथ आई है। देखो तुम इस पे गौर करो, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। चलो हाँ भाई कस्टमर्स आने लग गए और शाम हो गई है तो लाइट मैंने जला दी गई। श्री गणेश, ऐसे गणेश जी का नाम लेते हैं ना, सही गणेश जी का नाम लिया भाई मैंने भी, गणेश का नाम लिया। फुल बनिया अपना। अरे अरे ओके हेलो सर आपको देने 7.50 रुपीज। जाइए, हे मैम ने बहुत सारा सामान लिया भाई, इनको 2.40 देने। ओके सर आप बताइए 11.7। आपने क्या लिया मैम? ओके एक पास्ता, एक अंडे की ट्रे, एक आटा, एक टी बॉक्स और एक और अंडे की ट्रे। चलो भाई आपका बिल हो गया है। ओके इन मैम ने लिया ब्लैक, टी बॉक्स लिया है और ठीक है जो जो लिया मैंने इनको दे दिया भाई। ओके बाकी देखो कैसे भाई, कैसे लोग बाग यहाँ पे, क्या हुआ सर, क्या हुआ, फ्रिज नहीं खुल रहा है कि क्या हो रहा है आपको? बट दिस गाइस ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या चल रहा है ये? खैर छोड़ो देखी जाएगी भाई, वो तीनों फंसे पड़े हैं, धक्कम धुक्की मचा रहे हैं भाई कि मैं लूंगा पहले, मैं लूंगा ऐसे। सर मेरे को दुकान बंद करनी है। सर क्या कर रहे हो सर, ऐसे मत करो। अरे भाई वो धक्कम धुक्की मचाए लगे हैं। 11.7 इनका पैसा काटो और इनका क्या करूं मैं? अरे सर मेरे को आज का दिन खत्म कर। हेलो भाई इधर आओ। अबे ये तो खींचे चले आ रहे। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे इसको बाहर लगा दूंगा सालो, बाहर आओ, बाहर। ये लोग तो बाहर आ गए, मैं क्या चाह रहे हो? सड़क पे लगा दूंगा सालो, टकरा जाओगे तुम। रुक जाओ रुक जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सड़क पे हैं। चले गए भाई चले गए। चलो लेट्स गो। लेकिन ये लोग आधा सामान लेके गए मेरा। अबे उनके हाथ में थैली कैसे थी? देखो ये जा रहे वो सारे। भाई तुम ये सामान दे के जाओ मेरी शॉप से लेके। गाइस अब इसका क्या कर सकता हूँ मैं, इसका क्या कर सकता हूँ मैं? हैं भाई मेरी शॉप में से सामान लेके चले गए वो लोग। अरे बाबा रे भाई ये जा रहे मेरे सामने, मैं कुछ कर भी नहीं सकता भाई। पुलिस को नंबर लगाओ भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ तो ऑप्शन होगा भाई, बैंक में कॉल करता हूं मैं। अबे ये तो लोन ले सकता हूं बस मैं भाई, ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। ये मेरे सामने जा रहे थे, वो जा रहे भाई, वो जा रहे, क्या पता भाई गायब भी हो गए। चलो आज का दिन खत्म करते हैं गाइस, आज थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, अच्छा प्रोडक्ट नॉट फाउंड थी अलग चीज है, ठीक है। बाकी गाइस आज का रेंट गया है, रेंट और बिल भी माइनस हुआ है। लेट्स गो, दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना स्टोर ओपन करते हैं। और आज यार इसकी प्राइस सस्ती हो गई है थोड़ी सी, टी ब्लैक, बट इतनी तो यार अफोर्डेबल ही नहीं।
नहीं है, इतने में तो मेरा सारा प्रॉफिट ही चला जाएगा। 60 रुपीज की हुई है और इसमें अभी अब अपने को सिर्फ और सिर्फ $1 प्रॉफिट मिलेगा, पहले $2 मिल रहा था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज मेरे को थोड़ा बहुत सामान मंगवाना है, जैसे कि मिल्क हो गया, मार्केट से अपन मंगवा देते हैं एक तो मिल्क, और टी ब्लैक सस्ती होगी तो क्यों ना गाइस इसको खरीद दी जाए, क्योंकि अगली बार अपने को प्रॉफिट बनाना है ना। तो एक टी बॉक्स खरीद दिया मैंने, जब इसकी प्राइस नॉर्मल हो जाएगी जब इसको बेचेंगे तो अपने को महंगा प्रॉफिट होगा। चलो और मेरे को अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं मंगाना है, फ्रिज का आइटम खत्म होगा वैसे मंगाते रहेंगे। चलो लेट्स गो। हेलो मैम, आपको क्या चाहिए? 2 मिनट बिल करता हूँ आपका, जब तक मैं थोड़ा बहुत सामान जमवा दूं। भाई आज देखो सस्ती हुई ना टी ब्लैक, तो कितने लोग ले रहे हैं भाई, बात है कोई है? कोई बात नहीं बेटे, मैंने और खरीद लिए, बुद्धि बहुत है मेरे में, फुल बढ़िया पढ़ा दिखाऊंगा। एंड लेट्स गो, लास्ट मिल्क की पेटी बची है। गाइस हमारे यहाँ पे रोज नया दूध आता है, आप आके लीजिए, एकदम आपको फ्रेश दूध मिलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई सारा दूध जमवा दिया मैंने, इनकी बिलिंग कर देते हैं थोड़ी बहुत। हेलो सर, आपका बिल हो गया है। सर भाई देखो आज टी ब्लैक सस्ती हुई है ना, कितने लोग ले रहे हैं, साला टी ब्लैक की टी ब्लैक भर। ये देखो भाई, ये देखो तुम। एंड डन, आप बताइए मैम आपने नहीं ली टी ब्लैक, आप भी ले लेती टी ब्लैक? भाई सब टी ब्लैक लेने में लगे हुए हैं। ये आदमी फिर फंस गया क्या, थोड़ा बहुत सामान लेके साले। अरे इधर आ वापिस, इधर आ, तेरे को मैं बताऊं, इधर आ। चला गया ये आदमी, चला गया भाई, मेरी दुकान में से थोड़ा थोड़ा सामान लेके चले जाते ये लोग, पता नहीं भाई क्या ग्लिच है गेम वालों। ऐसे तो मेरी दुकान में भाई ये तंगी करवा के छोड़ेंगे, ये वाले लोग आते हैं और सामान लेके चले जाते हैं आधा। लेट्स गो गाइस, थोड़ा बहुत सामान मंगवा दूं मैं, क्या नहीं है अपनी शॉप पे। इस टाइम ब्लैक टी खत्म होने वाली है, ब्लैक टी कह रहा हूं भाई, ब्लैक कॉफी ठीक है, और चीज खत्म है और वाटर बोतल खत्म है। चलो लेट्स गो, मैं चीज के 2 पैकेट, वाटर बोतल के 2 पैकेट और कॉफी डार्क के 2 पैकेट, और क्या नहीं है भाई बता दो, अभी बता दो। फ्लोर भी खत्म हो गया है, शिट, फ्लोर के 2 पैकेट। एंड लेट्स गो, 200 रुपीज का मैंने आइटम मंगवा दिया। और ये भाई ये जो भी देके जाता है ना, फेंक के जाता है, ये आदमी घटिया है भाई, इस पे अगली बार से मंगवाऊंगा नहीं सामान, किसी और होलसेलर से मंगवाऊंगा। चलो भाई चीज आ गया अपने पास, चीज रखवाते हैं सारा यहाँ पे, थोड़ा सा चीज बचा है इसको अपन कोने में पटकवा देते हैं, क्योंकि अभी अपने पास जगह नहीं है। और वाटर यार, फ्रिज और मंगवाना पड़ेगा गाइस मेरे को, कोई बात नहीं भाई मंगवाएंगे, चीज और है अभी तो मेरे पास, कहाँ रखवाऊं इसे। चलो कोई बात नहीं गाइस, अंदर ला ला के तो रखते हैं सामान, बाद में देखी जाएगी। क्या चाहिए भाई तेरे को? अभी कुछ तो आ रहा था इसमें लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ रखवा देते हैं। ब्लैक टी के पैकेट बहुत सारे हैं अपने पास भाई, ब्लैक टी से ज्यादा मैन क्या पता क्या है भाई, कोई बात नहीं गाइस अपन रखवा देते हैं सारा सामान। एंड लेट्स गो, अभी इनकी बिलिंग करना स्टार्ट करते हैं गाइस अपन। हेलो सर, आपको क्या चाहिए? आपका कार्ड बताइए। चीज वगैरह लिए भाई ने, इसके अपन 11.30 रुपीज कार्ड देते हैं। आइए मैम आप बताइए, आपका कार्ड आपके हुए 31 रुपीज। आप बताइए सर, आपके 26.20 रुपीज हुए। ओके द चेकआउट आर फुल। भाई चेकआउट्स में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है मैं जल्दी जल्दी इनके चेकआउट्स करता हूँ गाइस, वरना ये लोग मेरे माथे पे पड़ जाएंगे। भाई ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, देख रहे हो तुम, मैंने फास्ट नहीं करी है। 9.30। यार मेरे को क्या बंदा लगाना पड़ेगा क्या? शिट गाइस, शायद मेरे को बंदा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग यार 1.65 लेके जा भाई। ओके मेरे को लाइट जलाने का टाइम नहीं मिल रहा भाई, 2 सेकंड रुकोगे तुम लोग? एक वाटर बोतल लेने आई थी, लाइन लगा रखी है तूने, तुम जैसे लोगों के चक्कर में इतना टाइम लगता है। ओके 1, 2, 3, अबे नहीं 1, 2, 3 चल जा भाई, अंधेरा हो गया पूरा, 1 सेकंड भाई। मैंने लाइट जला दी है और इसको देने मेरे को 65 रुपीज। एंड लेट्स गो भाई, अगले दिन मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ चेक आउट के लिए कोई तो बंदा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जने आ रहे हैं, मेरे से संभल नहीं रहे। 12.75। एंड डन। हेलो सर, आपको कितने देने? 25 एंड 50 जाओ। ओके आप बताओ सर। भाई आज तो बैंड ही बज गई यार। चलो भाई अभी के लिए सारे लोग जा चुके हैं, एक जना आया है, इसकी बिलिंग कर देंगे। बाकी गाइज मुझे ये देखने दो यार, मेरे को जो है किसी की तो हायरिंग करनी पड़ेगी कैशियर की, और वो लेवल 10 पे मैं हायर कर सकता हूँ यार, अब इसका तो मैं क्या ही करूँ। बाकी बिल्स आ रखे हैं कुछ आज के कल के, रेंट आ रखे हैं, इनको पे कर दूं क्या मैं? बाकी ये अपने आप पे हो जाते हैं शायद, लेकिन मैं पे कर ही देता हूँ यार, इतनी माता फोड़ी क्यों करनी है। चलो मैंने बिल सारे पे कर दिए, अभी लोग बाग आ रखे हैं, इनसे इतना पैसा मिल ही जाएगा। देखो इससे 19 रुपीज मिल गए अभी यहीं के। लेट्स गो। अरे ये मैम फिर फंस गई, मेरा कुछ तो सामान लेके फंसी होगी भाई, घटिया लोग हैं। चलो चीज खत्म हो गया, चीज रखवा देता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे। अच्छा ये चीज के लिए रो रही थी क्या? भाई ऐसे रो रहे होते हो तो भाई तुम घूमते क्यों रहते हो? नहीं देना मेरे को, सीधी सी बात है भाई, ये क्या बात हो, जब है ही नहीं तो नहीं दे सकता ना मैं, घूमते क्यों रहते हो तुम लोग ये बताओ। चलो भाई इसकी बिलिंग भी मैंने कर दी है, वाटर बोतल थोड़ी बहुत पड़ी है मेरे पास, ये रखवा देता हूँ मैं, और यहाँ भी वाटर बोतल रखी हुई है। चलो एक बची है वाटर बोटल, कैन नॉट थ्रो हियर। चलो इसको देखते हैं, थोड़ी बहुत चीज और है, एक चीज यहाँ रखवा दिए और रखवा नहीं सकते अपन, इसको भी बंद करते हैं और यहाँ रख देते हैं। लेट्स गो, आज का भी दिन खत्म हो चुका है, आज के लिए भी अपनी शॉप बंद करते हैं और अपन यहाँ से चलते हैं। लेट्स गो, आज अपना टोटल प्रॉफिट हुआ है 143 का भाई, और अभी टोटल बैलेंस है अपने पास 637 का। अगला दिन आ चुका है शुगर पाउडर ऑयल और ये, ठीक है तो सबसे पहले मुझे शुगर पाउडर का देखना है, इसकी प्राइस हो गई है। ओके सही है भाई, बढ़ गई है, और ये अपने पास अभी अच्छा खासा है, इसका मैं कर देता हूँ प्राइस 40
56.40 और किसकी बढ़ी थी, इसकी बढ़ी थी ना, कम हुई थी। शेट भाई लो, ये तो घाटा हो गया, 5.66 दिक्कत हो गई भाई। और किसकी बढ़ी घटी थी, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अरे यार एक तो ये भूल जाता हूँ मैं, किसकी बढ़ जाती है किसकी घट जाती है यार, मैंने पढ़ा तो था ऑयल की शायद, ठीक है ऑयल की भी प्राइस कम हो चुकी है गाइस, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए चीजें। 2.97 पे इसको लगा देते हैं, लेट्स गो। कल के दिन टी बॉक्स सस्ता हुआ था ना, ये उतना ही है भाई, जितना हो जाता है ना उतना ही हो जाता है। चलो भाई आज के दिन मैं कैशियर हायर करने वाला था, बट हाँ मेरी लेवल ही नहीं थी ना, कैशियर हायर करूं तो करूं कैसे यार। ये जब बोल के जाते हैं ना कि ये नहीं है आपकी शॉप पे, तो अपना लेवल में से एक माइनस हो जाता है यार। और वो कुछ तो बोल के गया, रुक जाओ उसकी बैंड बजाऊं मैं, 2.25 ठीक है। ब्रेड नहीं है ना, एक ब्रेड ही तो नहीं है, अभी मंगा दूंगा भाई, ये ले दो पेटी मंगवा दी डायरेक्ट। और क्या नहीं है, ऑयल है, सीरियल्स है, ब्लैक टी है, पास्ता नहीं है, रुक जाओ अभी पास्ते के लिए और शिकायत आ जाएगी, वरना भाई मालिक से ज्यादा मजदूर ज्यादा लग रहा हूं कि भाई शिकायत आ जाएगी, मालिक पैसा नहीं देगा। चलो अपनी ये पूरी भरी हुई है, बाकी मुझे लगता नहीं गाइस कोई चीज की कमी है, ये मैं जमवा देता हूँ एक बार के लिए, एंड लेट्स गो। एक और पैकेट है अपने पास, इसको भी नीचे जमवा देते हैं, एंड डन। अभी अपन पास्ता और जमवा देते हैं भाई, लो इसको पास्ता और लेना वो भी ले लो। अभी तो एक और पैकेट है मेरे पास, इसको कहाँ रखूं, ठीक है इसको नहीं रखवा सकते अभी, इनकी बिलिंग कर देते हैं जब तक। आपको मुझे देने 81 रुपीज, लेट्स गो। आप बताइए सर, आपको देने 29.06, आप जा सकते हैं, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। आपके 15 रुपीज काटने आपके काट लिए हैं भाई, इतना महंगा महंगा आइटम है इतने सस्ते में कैसे लेके जा रहे हो तुम, 15 रुपीज में कोई बात है। इसको चेंज देने मुझे 50 + 1 2 3 4 5 6 7 and 50 + 91 एंड डन। आपका पूरा है सर, आप बताइए, आपको देने 28.77, लेट्स गो। आप बताइए मैम, 28.57 एंड लेट्स गो। आपके मैम हुए 16 रुपीज एंड डन गाइस। मैंने अभी भी इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी वो भी मैंने हटवा दिए और अपने पास यहाँ पे जगह बन गई है, तो क्यों ना पास्ता रखवा दिया। बाकी गाइस शिट, शुगर खत्म हो गया है जो कि मुझे मंगाना पड़ेगा फटाफट, देखते हैं कहाँ है भाई। और इसकी प्राइस हाई चल रही है लेकिन ठीक है, फिर भी एक बॉक्स तो मैं मंगाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए शॉप पे सामान कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ लो भाई लो, हाँ बेटे बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है इसकी प्राइस सेट कर रही थी, मुझे लगा सस्ते में लेके जा रहे हैं लोग, फालतू में गालियां दे देता हूँ भाई लोगों। आपको देने 1 2 3 + 1 2 3 + 5 1 2 3 4 एंड डन। आपको देना है मेरे को 24 रुपीज काटने आपके, ओके मैंने 24.32 रुपीज काट लिए। आप बताइए सर, ओके सर बहुत मालदार पार्टी है सर के यहाँ पे, शादी वादी लगती है। सर के मुझे काटने 19.71 रुपीज, ओके गाइस अपनी शॉप पे कई सारा आइटम खत्म हो गया है शायद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। 95, एक सेकंड मुझे देखने दो, और मेरी शॉप पे इस टाइम खत्म हो रखा है, कुछ तो खत्म है भाई, कुछ तो खत्म है, रुक जाओ। सीरियल्स हैं भाई, फ्लोर खत्म हो गया है, ठीक है रुक जाओ फ्लोर मंगवाने दो। और क्या खत्म है, ऑयल, ऑयल सस्ता चल रहा, ऑयल भी खत्म हो गया, चलो लेट्स गो। यही चाहिए था मुझे, ऑयल की 3 पेटी मंगवाने वाला हूं, और 3 पेटी मंगवा दिए, बाकी यार ऑयल पड़ा था फालतू में मंगवा दिया था सारा। अभी शुगर है और चेकआउट्स आर फुल, यार सॉरी बड़ी, रुक जा कर रहा हूं तेरा काम भी कर रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए आटा जमवा दूं वरना तुम लोग मेरे पॉइंट्स माइनस करवा दोगे यार, मेरे स्टोर के पॉइंट्स मुझे जल्दी बढ़ाने जिससे कि मुझको एक बंदा हायर करने को मिल सके। और अभी ऑयल का और पैकेट है, मुझे पता था इसलिए मैं 2-3 में जमा रहा था, यहाँ भी जमाओ भाई। और ये है मेरे पास फ्लोर का पैकेट, इसको यहाँ रखवाते हैं, रुक जा। चलो भाई अभी तो मेरी ये बोतलें फूट जाती भाई, सामने से कार आ रही थी एंड डन। भाई 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 नहीं, अभी गेट के बाहर तक लाइन लग जाएगी, इन सबका बिलिंग करो भाई फटाफट फटाफट। हाँ भाई मुझे पता है चेकआउट फुल है मेरे, थोड़ा धंधा बड़ा है ना मेरा, समझा करो। जाओ 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 आप जाओ फटाफट, आप बताओ भाई आपको देने, ओके डन। आप बताइए सर, आपके कार्ड में से मुझे 29.36 रुपीज काटने, आप बताइए सर आपको देने। भाई ये खुला कराने आते हैं क्या मेरी शॉप, जाए तो ही मिलेगा। चल भाई ये लोग फिर अटक गए पता नहीं क्या, अरे क्या दिक्कत है भाई, रुक जाओ पानी भर जान दो मेरे को। अच्छा ठीक है पानी इतना ही था मेरे पास, इस डब्बे को फेंको बाहर, कल का डब्बा पड़ा है भाई, चीज और भर दो मेरे को, लो चीज लो तुम लोग। अच्छा चीज भी एक ही थी मेरे पास, और मंगा सकता हूँ क्या, चलो टाइम हो गया आज का। और ये लोग यहाँ ऐसे ही फंसे रहेंगे, फंसे रहने दो इनकी मर्जी है भाई, अब कल ही मंगा सकता हूँ सामान तो कल ही मंगा सकता हूँ, ये लोग जिद पे अड़ जाते हैं कि मेरे को आज ही सामान चाहिए। ओहो हो भाई देख रहे हो तुम, देख रहे हो भाई ये एक चीज के लिए वाट की हुई थी, और कितना सारा सामान इसने भर रखा था अपनी जेब में यार, ऐसे चले जाते हैं लोग फिर सामान भर के, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता भाई इन लोगों का, बात है। चलो मैम आपको आना हो तो आओ, वरना मैं कर रहा हूँ आज का दिन खत्म, और मैंने शॉप में खत्म कर दिया जिससे कि लोग खड़े रहे। और आज का प्रॉफिट देखो भाई, प्रॉफिट देखो और अपना बैलेंस। बाकी फ्लोर और डार्क कॉफी की प्राइस घट गई है जो कि मैंने ज्यादा नहीं मंगाया था, सही है चलो 3 रुपीज चल रही है इसकी, 3 रुपीज रखते हैं। और डार्क कॉफी की जो प्राइस है इस टाइम ना
इतनी सस्ती भाई, ये क्या बात हुई 9.35 यार। अब एक रुपए प्रॉफिट मिलेगा, जो कि ये सबसे बड़ी चीज थी सेल होने की अपनी शॉप पे, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। और ये ऑयल रख रखा है यार, क्या है ये? रुक जाओ भाई, मुझे ना सबसे पहले तो डार्क कॉफी के 3 पैकेट मंगाने दो। रुक जाओ, 4 हो गए, 2 पैकेट ही मंगा लेता हूँ भाई। मैं फालतू में ना लफड़े में पड़ जाता हूँ ज्यादा से ज्यादा सामान मंगा के। चलो ठीक है, मैंने 2 पैकेट मंगा दिए। अरे मेरे पास फ्लोर पड़ा था, चलो मैं बॉक्स अंदर ले जाकर रखवा देता हूँ, अपना ही सस्ता पड़ा हुआ आइटम काम आएगा। एंड ब्लैक कॉफी शायद खत्म है, तो थोड़ी बहुत तो रखवा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं रखवा देता हूँ। चलो एक पैकेट तो खाली हो गया, दूसरा पैकेट भी खाली हो जाएगा थोड़ा सा। लेट्स गो, इसको भी यहाँ रखवा देते हैं। चलो भाई अपनी शॉप। ओके भाई, आज तो ओपन करना ही भूल गया मैं शॉप को। लो आधी बिक्री तो मैंने यहीं रोक दी, चीज भी रह रहा है गाइस, चीज भी मंगवाना है मेरे को। तो 2 पैकेट चीज मंगवा रहा हूँ, और मेरे पास एग की कमी हो चुकी है, 1 पैकेट एग मंगवाना है। एंड डन, इसको ऑर्डर करवाते हैं। आ गया भाई सामान, इन एग को अपन रखवा देते हैं यहाँ पे, और इसको वापस से यहाँ रखवा देते हैं। लेट्स गो, थोड़ा बहुत चीज पड़ा है, इस चीज को रखवाओ यहाँ। और वाटर बॉटल्स खत्म होने वाली है, बट हाँ अभी है पूरी, 2 पैकेट वाटर बॉटल्स है मेरे पास। एंड डन, एग की पेटी भी रखवा देता हूँ यहाँ, खाली पड़ी है एक जगह। चलो भाई ये भी फेंक दिया मैंने, और कुछ बचा है क्या? चलो भाई अभी मेरे को आज के दिन यार हायर करना था, बट आज भी मेरी सिर्फ और सिर्फ 9 लेवल है। लेकिन गाइस अपने को 9 लेवल पे 2 प्रोडक्ट लाइसेंस मिल चुके हैं, एक 50-50 का, एक 50-50 का। रुक जाओ भाई, लेकिन है दोनों भाई, दोनों अलग अलग है। ठीक है मुझे दोनों खरीदने, एक मैं अभी खरीदूं क्या? नहीं यार इतना पैसा नहीं है, रुक जाओ पहले थोड़ी बहुत बिलिंग कराऊं, जिससे कि पैसा बन जाए मेरे पास। 31.59 रुपीज हुए इसके। अपनी शॉप पे कुछ नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं भाई, बस तुम देखते जाओ। चलो भाई अभी सामान भी बहुत बहुत खरीद रहे हैं ये लोग। एंड लेट्स गो, मैं अब ये प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदने वाला हूं। एंड लेट्स गो, मेरे शॉप पे मैं अब 3-4 चीजें नहीं रखवा सकता हूं, देखते मार्केट में जाके। और भाई ये देखो, सोडा की बोतल आई है, ऑरेंज जूस की बोतल आई है, बट ये सब फ्रिज में रखा जाएगा। और इस बार तो सारा आइटम ही फ्रिज का आया है, बस एक मिल्क का पैकेट आया है जो कि सेल्फ में रखने के लिए। ये सही है भाई, इसको मंगवा के देखते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का मिल्क आया अपनी शॉप पे। एंड लेट्स गो, ये मैंने रखवा तो दिया है, इसकी प्राइस सेट करते हैं अपन 20 में, इसको अपन बेच देते हैं। और चेकआउट फिर फुल हो चुके हैं यार, रुक जाओ ना भाई। आप बताइए मैम, आपको देने 27.55, मैंने काट दिए। ओके ऐसे लेके जाया करो एक बार में यार, बहुत सारा आइटम। बस मेरी 10 लेवल होने वाली है भाई, फिर मैं सबसे पहले जिप सोडा। अरे भाई यार मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, बड़ी मंदी है यार जीवन में मेरे। 29.30, अरे यही तो नहीं करा जाता मेरे से। रुक जाओ भाई, अब है ना मैं फ्रिज के सारे आइटम मंगवाने वाला हूँ, 1, 2, 3 एंड 4 और 5 एंड डन। ठीक है मैंने मंगवा दिया है, जैसे तैसे भले ही सामान हो ना हो मेरे पास। और मैं मार्केट से एक फ्रिज भी खरीदने वाला हूँ, जो कि होने वाला है इस बार थोड़ा बड़ा फ्रिज, 400 रुपए का। और लेट्स गो, मैंने कर दिया परचेज, लाइट ऑन करते हैं। बाकी भाई इतने सारे लोग हैं, मुझसे मैनेज नहीं हो रहे, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। इसको रखवा देता हूं मैं अभी के लिए यहां पे ऐसे टेढ़ा, क्योंकि जगह ही नहीं है, क्या करूं मैं। द प्रोडक्ट नीड टू बी प्लेस्ड ऑन द फ्रिज, तो फ्री। वाओ गाइस धोखा हुआ है मेरे साथ, इस धोखे का बदला मैं लेके रहूंगा। पता नहीं भाई इस फ्रिज में क्या रखना था मेरे को। ठीक है ऑरेंज जूस तो इसमें आ जा। वाओ एंड वाओ, बहुत बड़ा वाला वाओ भाई। अरे मैं बताऊं मैं क्या ही बताऊं भाई, मेरी शॉप पे लोग बाग देख रहे हो तुम। तो हटो एक बार, हटो, अरे एक बार हट जाओ भाई, छोड़ो इनका कुछ नहीं कर सकते। कोक तो रख दूं, कोक भी नहीं रखने दोगे इसमें। चलो कोक इसके अंदर रख दिया है मैंने, और इसको अभी के लिए यहां रखते हैं। और क्या बचा है इसमें, क्या है? कोक के 2 पैकेट कब मंगा दिए मैंने? अच्छा कोक भी अलग अलग फ्लेवर। अरे भाई इनके चेकआउट करने दो मेरे को, वरना दिक्कत आ जाएगी। अभी रुक जाओ भाई, जाओ आप, जाओ आप बताओ सर आपका बिल हुआ है टोटल 20.55, जाओ आप बताओ। अरे भाई भीड़ भीड़ भाई, मेरा चक्कर, मेरा सर घूम रहा है, मैं क्या बताऊं। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान छूट गई है। 1, 2, 3, 4, 25 + 50, 1 रुपए और ले भाई। अरे ये लोग माइनस करा जाते हैं हंगी से लोग। भाई भाई अच्छी खासी लेवल बढ़ रही थी मेरी, ठीक है मैंने गलत खरीद ली यार। जा भाई जा, भाई तू माइनस करा के गया ना, तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा मैं। ये देखो इस आदमी को फिर खुले कराने, भाई ऐसे खुले कराने आए ना तुम लोग साले, मैं तुम लोगों को समान ही नहीं दूंगा भाई। 12.06 एंड डन, ये फिर कम करा गया, दिखे आप जा सकते हो। ये देखो ये देखो ये देखो माइनस हो रही है। एप्पल जूस कहां से लाके दूं, सब ला रखा है मैंने, दूं कैसे। जा भाई जा, 2 पैसा ज्यादा दिया तेरे को, खुश रहे। 6.56 भाई, ये माइनस कराते जा रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं उससे ज्यादा माइनस करा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। 50 + 35 + 90, ठीक है पता नहीं कौन सा हिसाब कर रहा हूँ, बट ठीक है अभी फटाफट ये सब माइनस भी करा रहे हैं, बट ठीक है प्लस भी करा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड डन, सबसे एक एक चीज माइनस हो रही है, बट बस एक बार मेरे पास यार चेकआउट वाला बंदा मैं रख लूं, थोड़ा बहुत पैसा भी इकट्ठा हो रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर खुले कराने आ गई मैडम, तू 90 लेके जा जा। ओके मैम के घर में कोई स्प्राइट ज्यादा पीता दिखता है। जाओ मैम, आप बताओ सर आपका हुआ है 10.30। लेट्स गो गाइस, इन सब ने मेरा घटा घटा के फाइनली लेवल 10 कर दिया है, और
अभी मैं आज ही रात हायर करने वाला हूँ मैनेजमेंट से एक बंदा जो कि होगा कैशियर एंड लेट्स गो। मैंने हायर कर दिया, इसकी फीस भी कट गई है और भाई जिंदा दिल तरीके से आधी रात में भी आके खड़ा है। भाई साहब आ सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज का दिन अपना खत्म होता है और आज का टोटल प्रॉफिट माइनस में है। भाई प्रॉफिट नहीं, लॉस ही लिख दिया करो ना। फ्लोर और मिल्क सस्ता हो गया, ठीक है। फ्लोर रखा हुआ नहीं है, मिल्क रखा हुआ नहीं है, तो क्यों बता रहा है तू? ठीक है, फ्लोर तो मैं रखने वाला हूँ। अच्छा फ्लोर रखा हुआ है रे, ठीक है, इसको फेंको कूड़े में। और इसका प्राइस ओके बढ़ा है, तो इसको कर देते हैं अपन 10। लेट्स गो। और ये कुछ सामान है जो कि मेरे को रखवाना पड़ेगा फ्रिज में, और मैंने अपनी शॉप ही ओपन नहीं करी। भाई शॉप तो ओपन करो पहले, अब देखी जाएगी। भाई अब कैशियर आ गया ना, अब मैं अपना फोकस यहाँ लगा पाऊंगा। बट एक और चीज करनी है मेरे को, मैंने हायरिंग तो कर ली है, बट मुझको खरीदना है अपने स्टोर पे एक तो जगह। भाई जगह बड़ी करनी है और वो शायद ग्रोथ में जाके होगी, ठीक है। सेक्शन 2 खरीद सकता हूँ, बट इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? 350 रुपीज रिक्वायर्ड है, ओके, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। क्या कर रहा है साले, तेरी स्पीड है ये? इससे 4 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता था। हाँ थोड़ा पैसा काटने में दिक्कत पड़ जाती थी। मिल्क 6 पैक, अबे तेरी 6 पैक्स निकाल दूंगा तेरे। नहीं ठीक है, मेरे को पहले ना एक जगह खरीदनी है अपनी शॉप पे, तभी मैं कुछ करूंगा। पहले इनके लिए शुगर रखवा देता हूँ जहाँ रखी हुई है। बाकी का आइटम थ्रो करते हैं। और थोड़ी बहुत मेरे पास एक चैप छोड़ा पड़ी है, इसको रखवा दूंगा, ठीक है। इसको भी कोने में पटकवाओ। लेट्स गो। मेरे पास ये कोक है, इस वाली कोक की है, ये अलग कोला है भाई, कोला। चलो इसको भी रखवा दिया है। ये वाली कोला थोड़ी बहुत खत्म हो गई, इसको भी रखवा देते हैं और इसको यहाँ फेंक देते हैं। भाई फेंक नहीं रहा हूँ अभी के लिए, बहुत महंगा सामान है मेरे लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। और इनकी प्राइस तो मैंने सेट ही नहीं करी है भाई, इसको जिस प्राइस में आ रहा था उसी प्राइस में बेच दिया मैंने। कितना सारा, तो 2.50 रुपीज में इसको बेचना है मेरे को, ठीक है। इसको मुझे बेचना है 2.80 रुपीज में, एंड और किस पे प्राइस नहीं है भाई, इसको मुझे बेचना है 2. ओके, ये मैंने कितना सारा बेच दिया है, इसको 2.60 में बेचना है मुझे। लेट्स गो। और किस चीज की प्राइस सेट नहीं करी है मैंने, जरा बताना, ठीक है। इस चीज की प्राइस भी सेट करते हैं 2.80, डन। चलो भाई अभी तुम लोग बोलते रहो एग नहीं है वो नहीं है मेरे को। ओके गाइस, मेरे पास पैसे हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ फटाफट से मैनेजमेंट में और अपनी ग्रोथ करने वाला हूँ। लेट्स गो। और अपना गेट भी बड़ा हो गया है और जगह भी बड़ी होगी साथ ही साथ, तो इसको कैरी करते हैं और इस कोने में रखते हैं, साथ ही साथ इसको भी कैरी करते हैं और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे रखवा देते हैं। बाकी इधर की साइड फ्रिज आने वाले हैं। और इसमें क्या नहीं है भाई, अब देखो रुको, ऑयल मेरे पास क्या क्या है ये देखने दो। ऑयल है, शुगर है और फ्लोर है, और बचा हुआ क्या सामान है मेरे पास, फ्लोर है ना, थोड़ा बहुत रुक जाओ, फ्लोर रखवा दो पूरे। मेरे जितने भी बॉक्सेस एक्स्ट्रा पड़े हैं ना इधर कोने में, इन सबको उठवाओ। ब्लैक कॉफी है मेरे पास खूब सारी, इसको भी रखवाते हैं यहाँ पे। एंड मेरे पास है थोड़ा बहुत जूस, ठीक है, इसको तो यहाँ रखवाओ, इसको उठाओ। और फ्लोर और है मेरे पास, इसको यहाँ रखवा देते हैं। बाकी अब मैं मंगवाने वाला हूँ सामान, देखो मेरे पास ब्लैक कॉफी है, शुगर पाउडर है, ऑयल है, चलो और फ्लोर है, तो मुझे ये मंगवाना है, एक ये मंगवाना है, एक ये, एंड लेट्स गो। इतना सामान तो मैंने मंगवा दिया। अभी फ्रिज में मेरे पास क्या क्या है भाई, देखो जो पुराना आइटम है उसमें से सिर्फ सिर्फ चीज है मेरे पास, तो चीज छोड़ के वाटर बोटल और एग मिल्क इतना मैंने मंगवा दिया है। लेट्स गो, ये सामान मैं जमवाता हूँ। चलो भाई ये जमवा दिया है। इसके अंदर मेरे पास है मिल्क जो कि मैं यहाँ रखवाने वाला हूँ, एंड बचा हुआ बगल में रखवा देते हैं। इसमें मेरे पास वाटर बोटल है जिसको मैं यहाँ रखवा देता हूँ, एंड बची हुई वापस से साइड में। इसमें मेरे पास सीरियल्स है तो यहाँ रखवाते हैं। लेट्स गो पास्ता, पास्ता इधर। चलो भाई ये लास्ट बॉक्स है जिसमें है एग, इसको यहाँ रखवा देते हैं, एंड डन। ये बॉक्स भी खाली हो चुका है। अभी मेरे पास थोड़ी बहुत कोक की बोतल है, ये बॉक्स भी खाली हो गया भाई, चलो सही है। चेकआउट्स मेरे फिर फुल हो गए, इसको भी इसमें रखवा देते हैं सारा आइटम, एंड डन। इसमें मेरे पास थोड़ा बहुत जूस है, ये तो शायद अलग वाला है, ठीक है। एप्पल जूस था मेरे पास, एप्पल जूस भी मैंने रखवा दिया है। अगला मेरे पास है वाटर बोटल्स, ओके वाटर बोटल्स रखवानी है, थोड़ी बहुत रखवा दी वापस मैंने। थोड़ा बहुत शुगर है, इसको यहाँ रखवाओ। ओके भाई लाइट जलाते हैं। गाइस देख रहे हो कितना आराम का काम है, मैं भी कर सकता हूँ क्या इस पे? ओके मेरे को कैशियर लगा हुआ है जब तक मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ, और ये पता नहीं एक हाथ से काम कर रहा है दूसरा हाथ साले किस लिए रख रखा है तूने, आदमी ये पजामा है भाई। बाकी लाइट उस कोने में जल रही है, इसमें क्यों नहीं जल रही है भाई, ये क्या बात है, ये कौन सा मैनेजमेंट है भाई, बिल पे नहीं कर रखे इसलिए क्या ये सब भाई, ये तो बड़ी घटिया चीज है। लाइट इतने से एरिया में सामने वाली शॉप में है ही नहीं जो मैंने नया खरीदा, बहुत बढ़िया। मिल्क और लेके आया था मैं, मिल्क का रखा हुआ है, ठीक है यहाँ रखना है मिल्क, ठीक है। मिल्क बचा थोड़ी है, इसको फेंकते हैं बाहर। अभी मेरे पास एक फ्लोर बचा हुआ है, इसको यहाँ रखो, एंड इसको यहाँ फेंको। थोड़े दो बोतल और है भाई, मिल्क की रख लो ना, ठीक है। मेरे पास ऑरेंज जूस बचा हुआ है, इसको यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, जगह ही नहीं है भाई, साइड में रख सकते हैं बस। चलो भाई ये रखवाते हैं, और ऑरेंज जूस की जगह खाली हो गई है, ऑरेंज जूस का नया डब्बा पड़ा है, इसको यहाँ रखवाते हैं ऑरेंज जूस, एंड लेट्स गो। चलो भाई अपनी शॉप पे जगह खाली हो गई। बाकी ये किस चीज के लिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, समझ नहीं आ रहा करूं क्या इस चीज का मैं, शायद आइसक्रीम वगैरह रखने का है, ऐसा कैसे हो गया। टी ब्लैक मंगवा दी लो, अच्छा अब टाइम ही नहीं खरीदने का, छोड़ो भाई। फ्रिज वगैरह मंगवा सकता हूँ क्या मैं, फ्रिज वगैरह तो मंगवाने दो। और फ्रिज का गाइस मेरे पास अब यही ऑप्शन है ना, क्योंकि और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। शेल्फ है जो कि मंगवानी है, बट एक तो फ्रिज मंगवाना है कल के दिन, एक मुझे शेल्फ मंगवानी है। लेट्स गो। 619 रुपीज
रुपीज मुझे कल कमाने हैं, बाकी मैम आपकी एस तेस मैं कर रहा हूँ शॉप बंद, भाई तू घर जा सकता है, लेट्स गो, आज का प्रॉफिट है ये, भाई क्या ही करें। चलो कोई बात नहीं, आज का खर्चा भी बहुत था भाई, रेंट और बिल भी बहुत लिया इसने, चीज महंगी हो गई है, एंड लेट्स गो, इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि चीज है ही नहीं मेरे पास। बाकी इस वाली शेल्फ पे सारा सामान खत्म हो चुका है, ये सपने बाद में देखेंगे, मेरे को ना जो नॉर्मल चीज है वो तो मंगाने दो, पहले सीरियल्स है मेरे पास, ठीक है सीरियल्स, ब्रेड भी है, फ्लोर भी है, चलो पहली लाइन पूरी है, ऑयल नहीं है, पास्ता नहीं है, एंड शुगर है, चलो ऑयल और पास्ता मंगवाने दो, बाकी वाटर बॉटल्स वगैरह तुम्हारा रखिए, लेट्स गो, ये दो चीज मंगवाने दो, और इन दोनों चीजों को मैं जमवाता हूँ यहाँ पे, फेंको एंड इसको भी जमा के बाहर फेंको, एंड मैंने शॉप तो ओपन ही नहीं करी है भाई। गाइस ये तो अपन देखने ही भूल गए, अपना गेट भी अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पे आ गया है बड़ा लिखा हुआ सुपरमार्केट, देख रहे हो भाई मैंने बोला था ना अपने सुपरमार्केट को मैं बड़ा करके ही रहूंगा और मैंने बड़ा कर दिया है अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है, शॉप ओपन नहीं हुई क्या, क्यों लोग बाग क्यों नहीं आ रहे भाई, भाई बता क्या तूने कुछ बोल दिया लोगों को, चलो जल्दी जल्दी बिल कर लिया कर, बता रहा हूँ तेरे को, एक तो थोड़ा सा थोड़ा लेके खड़ा हो जाता मेरे सामने, बाकी एक सेल्फ का आइटम ये है, ठीक है एक सेल्फ का आइटम ये है एंड एक सेल्फ का आइटम ये है, तो ये सब मैं मंगवा देता हूँ, ये और चाहिए था मेरे को भाई, ₹0, ये देखो तुम मंदी देख रहे हो तुम भाई, आज की ताजा खबर है, सुपरमार्केट वाला लुट गया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, बट ऐसी कोई बात नहीं है, जहां से स्टार्ट किया था वहां नहीं आया हूं भाई, ये मेरी एसेट्स हैं भाई, शॉप मैंने डबल का डबल तेरी, अबे क्या कर खेच के ले गया भाई, मैं कह रहा था गाइस मैंने शॉप डबल कर ली है भाई, डर लगता है आजकल इन लोगों से मेरे, मैं क्या ही बताऊं, छोड़ो अलतू बात तो बाद में ही करूंगा, मैं जा रहा हूं अंदर, और भाई इस चीज की कमी पड़ गई तुम लोगों को, क्या चाहिए, चल भाई अब यार ये सामान बिकवा दे, इतना सारा सामान ले आया हूं मैं, क्या ही बताऊं मैं गाइस, अब ये सामान बिकते ही बिकेगा, क्योंकि अब मुझे जो चाहिए ना वो है फ्रिज और एक सेल्फ, बाकी तो मैं क्या ही बताऊं भाई, क्योंकि ये चीज नहीं है, फ्रिज खरीद सकता हूं क्या मैं यार, फ्रिज खरीदने जितने रुपए भी नहीं है, एंड गाइस अपनी शॉप पे लाइट इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि स्पॉटलाइट भी मुझे खरीदनी पड़ेगी, अबे यार ये अलग वो मंदी वाली बात है यार, ये क्या बात होती है, अब साला ये लाइट भी मैं खरीद खरीद के लगाऊं, देखना देखना कितनी छोटी छोटी आई, अब इसको मैं प्रॉपर जगह पे कैसे लगाऊं, देखो यहाँ पे है ठीक है, तो यहाँ लगाना बनता है, लेट्स गो, ओ भाई देख रहे हो तुम, देख रहे हो भाई देख रहे हो, अंदाजा देख रहे हो मेरा, यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा सही है, इसको यहाँ लगाना बनता है, एंड लेट्स गो, मैंने प्रॉपर लाइट लगवाई है भाई, प्रॉपर लाइट लगवाई है, अब एक बार मैं लाइट जला के दिखाता हूँ तुम लोगों को, और ये देखो अभी अपनी पूरी शॉप पे उजाला है, और आज के दिन खुशी में लाइट जलने देते हैं, बट यार बिल बहुत बढ़ जाएगा, बंद करो इस रात में जलाएंगे, बाकी आज के दिन अपन अपनी शॉप को खुला रखते हैं और देखते हैं कितनी कमाई होती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं और लगा सकूं इस पे, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अपन ने अपनी शॉप को अच्छा खासा अपग्रेड कर लिया है, अब हाँ तुम कह सकते हो सुपर मार्केट है, बट हाँ अब इसमें सेल्फ वगैरह की कमी है, वो आज के आइटम बिकने से मेरे पास पैसा रिकवर हो जाएगा, और अगली वीडियो में आने वाली वीडियो में मैं वो भी खरीदने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगला एपिसोड मिस नहीं करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके अभी के अभी, बाकी मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।